हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं माफियाज कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 14। गाड़ी द कपूर्स मेंशन में रुकी। प्रिया आद्विक की बाहों में सो रही थी और आद्विक उसे लेकर रूम में जाकर बेड पर लिटा देता है। वो कुछ टाइम उसे देखता है, फिर उसके माथे पर किस करके रूम से बाहर जाता है। वो वहां से सीधा अपने दादाजी के रूम में जाता है जो बेड पर लेटे हुए थे। आ गया मेरा बेटा, टाइम मिल गया, आद्विक अपने दादाजी के पास बैठते हुए कहता है। सॉरी दादू, वो तभी उसके दादाजी कहते हैं, बहू कहाँ है हमारी, मिलाने नहीं लाया? दादू वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल बच्चे के जैसी, आपको बहुत पसंद आएगी, पर हम एक साल बाद शादी करेंगे। दादाजी मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, मुझे सब पता है मेरे बच्चे, तूने एक लड़की को अपनी ज़िंदगी में जगह दी, यही मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे पार्थ ने सब बता दिया है उसके बारे में, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। आद्विक अपने दादा को दवाई खिलाता है और वहां से सीधा अपनी बहन के रूम में जाता है। निधि अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। इतने बड़े घर की लड़की होने के बावजूद उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनने में विश्वास था। वो इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स भी कर रही थी और अपना कॉलेज भी कर रही थी। आद्विक निधि के पास बैठकर कहता है, कैसा है बच्चा, पढ़ाई ठीक चल रही है और कोई तकलीफ तो नहीं है ना? निधि जो अब तक लैपटॉप में देख रही थी आद्विक की तरफ हैरानी से देखती है, फिर स्माइल करते हुए कहती है, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अचानक उसकी आंखें भर आई। आद्विक प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ मेरी बहन को, रो क्यों रही है? निधि मुस्कुरा कर कहती है, भाई आप जब से भाभी से मिले हो बहुत बदल गए हो, पहले आप किसी से ढंग से बात नहीं करते थे, कौन कैसा है कुछ नहीं पूछते थे, अब आपको हमारी कितनी चिंता है, आप हमारी फीलिंग समझते हो। निधि अपने ड्रॉअर से निकालकर आद्विक को कुछ कार्ड्स देते हुए आगे कहती है, भाई हर बार मैं आपसे नाराज होती तो आप मुझे ये कार्ड्स देते थे, मैं इसलिए रख लेती थी कि आपको बुरा ना लगे, पर मैंने कभी खर्च नहीं किए। आद्विक प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आई एम सॉरी बच्चा, प्रिया के आने के बाद ही मैंने लाइफ का, फैमिली, फीलिंग्स का असली मतलब जाना है, और ये कार्ड्स मेरे सॉरी गिफ्ट्स हैं, और बहनों को गिफ्ट मांगना चाहिए ना कि लौटाना चाहिए। सुन, मैं चाहता हूँ तू प्रिया को नॉर्मल करने में मेरी हेल्प करे, उससे बातें करने में, उससे बात समझाने। समझ गई भाई, आप टेंशन मत लो, मैं भाभी का ख्याल रखूँगी। आद्विक वापस अपने रूम में जाने को था कि उसके फ़ोन पर कॉल आया। उसके एक्सप्रेशन फिर से बदल गए। वो अपनी सख्त आवाज़ में बोला, उससे आज मेरे चंकल वाले बेसमेंट में ले जाना, मैं उसका खुद इलाज करूँगा, उसकी आत्मा भी तड़पेगी। वो सीधा प्रिया के पास गया। प्रिया उठी, पर जैसे ही उसने आद्विक को अपने पास नहीं देखा, वो उसे ढूंढने लगी। वो सीधा आद्विक से टकरा गई और उसे देखते ही उसे गले लगा लिया। प्रिया आद्विक से कहती है, प्रिंस। आद्विक उसे गले लगाए हुए मदहोशी में कहता है, प्रिंस मुझे पनिशमेंट दो ना। आद्विक की आंखें बाहर निकल गई। वो अपना गला साफ करते हुए कहता है, क्या? हाँ, मुझे पनिशमेंट लेने का मन कर रहा है। आद्विक मन में कहता है, ये लड़की दिन ब दिन बहुत डेयरिंग होती जा रही है, एक दिन कुछ करवा के ही मानेगी, बिगड़ गई है बिल्कुल। प्रिंस दो ना पनिशमेंट, देख लो फिर मुझे मत कहना, इस बार मैं मुश्किल वाली पनिशमेंट दूंगा फिर। प्रिया अपनी बोहे चढ़ाते हुए कहती है, मुश्किल वाली पनिशमेंट? आद्विक तुरंत प्रिया को उठाकर बेड पर अपने नीचे दबा लेता है। प्रिया डरकर कहती है, नहीं प्रिंस, मुझे नहीं चाहिए पनिशमेंट, नहीं। आद्विक हंसते हुए कहता है, क्यों, अब तो देकर रहूंगा। आद्विक प्रिया को गुदगुदी करने लगता है। प्रिया हंसते हुए, छोड़ो ना प्लीज ना प्रिंस, छोड़ो ना प्लीज। प्रिया की हंसी की खनक, यही तो आद्विक की जिंदगी थी। कितना हसीन मासूम सा चेहरा है उसका, अलहड़ मासूम लड़की कितनी तकलीफों से गुजरी है, आज तक उसे अपना बचपना जीने का मौका ही नहीं मिला, पर आद्विक था ना, वो कुछ नहीं होने देगा उसको, अब बिल्कुल नहीं, और उसके करियर का भी ख्याल रखेगा। क्या वो प्रिया के करियर पर ढंग से ध्यान नहीं दे रहा है, वो सोच रहा था। प्रिया ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद आद्विक उस पर से उठा। उसे तुरंत खुद पर गिल्ट होने लगा था, वो अपने प्रिंसेस से नजरें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। उसे डर था प्रिया के लिए,
उसके फ्यूचर के लिए। प्रिया अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर बेड से कूदकर उसके सामने आकर गुस्से में कहती है, इधर मेरी तरफ देखो प्रिंस। वो, सॉरी प्रिंसेस। आपकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस? आद्विक ने मुंह नीचे कर लिया। हिम्मत कैसे हुई? मुझे ये वाली पनिशमेंट जानबूझकर नहीं सिखाई है ना, ताकि मैं ये आपको ना दे सकूं। अभी के अभी सिखाओ, आगे से यही वाली दूंगी, उसने मुंह फुलाकर कहा। आद्विक अपना सर पकड़ते हुए कहता है, कोई बचाओ मुझे, ये लड़की। प्रिया उसकी गोद में बैठे हुए, सिखाओ अभी। पहले खाना खाओ प्रिंसेस, तब सिखाऊंगा। ओके। आद्विक ने उसे खाना खिलाया। अब दोनों बिस्तर पर लेट गए बिल्कुल चिपक कर। एक बात बोलूं, अभी जब आपने पनिशमेंट दी ना, गुदगुदी करके बहुत हंसी आई मुझे, आद्विक हंसते हुए कहता है। अच्छा, तभी बार बार सीखने के लिए बोल रही हो, ताकि मुझे हंसा सको। प्रिया हाँ में सर हिलाकर हंसने लगी। आद्विक ने उसके होठों को हल्का अपने होठों से छू लिया और उसे गुदगुदी करने लगा। प्रिया हंसते हुए आगे कहती है, प्रिंस छोड़ो, प्लीज छोड़ो ना। अब वो उसे पूरी तरह बाहों में भरकर आंख बंद कर लेती है। वो बंद आंखों से ही बोलती है, मुझे छोड़कर मत जाना, जैसे अभी गायब हो गए थे, वरना बहुत पनिश करूंगी। ओके। प्रिया फिर उससे लिपट कर कहती है, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, हमेशा मेरे ही बेस्ट फ्रेंड रहना। आद्विक उसके माथे को चूमता है। आद्विक ने आंखें बंद कर ली, पर वो सोया नहीं, पर प्रिया सो गई। कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।